डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। तो यह इस बुक का क्लास फाइव का इंग्लिश बुक है ये। तो इस बुक का यह अंतिम चैप्टर है, मतलब ये लास्ट वीडियो है, बाकी सारे चैप्टर का वीडियो बन चुका है। और इसमें एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो यह कहानी हम सभी को एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। तो इस कहानी के बारे में मैं पहले से ही आप लोगों को कुछ नहीं बतलाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को पहले ही बतला देता हूँ तो फिर इस कहानी को पढ़ने का और सुनने का मजा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है 18 या क्लास 5 का इंग्लिश बुक है और इस चैप्टर का नाम है द क्लेवर जकाल। इसका मतलब होता है चालाक सियार। तो आप लोग पहले भी जानते हैं सियार जो होता है वो हमेशा चालाक होता है, धूर्त होता है, वह दूसरे जानवरों को धोखा देता रहता है। तो इसी तरह का यह एक कहानी है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। There was a dense forest. A cow was busy in grazing grass. She had strayed from the herd. Suddenly, she saw a lioness roaming there. She became afraid. She thought, "This lioness has seen me. No one can save me from this lioness." एक घना जंगल था। एक गाय घास चरने में व्यस्त थी। वह अपनी झुंड से भटक गई थी, मतलब झुंड से अपनी बिछड़ गई थी वो। अचानक उसने एक शेरनी को वहां घूमते हुए देखा। वह डर गई। वह सोचती है कि यह शेरनी मुझे देख चुकी है, इस शेरनी से अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। द लाइनेस ऑल्सो सो द स्केर्ड काउ। सी हैड जस्ट टेकन हर लंच। सी वॉज नॉट इन ए मूड ऑफ किलिंग एनी वन। सी थॉट द काउ इज अफ्रेड। सी थिंक्स आई विल किल एंड ईट हर। आई मस्ट गो टू हर एंड अश्योर हर। शेरनी भी डरी हुई गाय को देख लेती है। वह अभी अभी ही अपना लंच ली थी, वह अभी किसी को मारने के मूड में नहीं थी। तो वह सोचती है गाय डर गई है, उसे लगता है कि मैं उसे मार डालूंगी और खा जाऊंगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसे आश्वस्त करना चाहिए। और आगे क्या है। द लाइनेस वेंट टू द काउ एंड स्पोक जेंटली। वाई आर यू अफ्रेड। शेरनी गाय के पास गई और धीरे से बोली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो गाय क्या बोलती है, आई एम अफ्रेड टू सी यू, यू मे किल मी, कि मैं तुम्हें देखकर डर गई हूं, तुम मुझे मार सकती हो। आई एम नॉट गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने नहीं जा रही हूं। इज इट राइट यू विल नॉट ईट मी, क्या यह सही है तुम मुझे नहीं खाओगी। आई हैव टेकन माई लंच, कि मैंने अभी अभी अपना लंच खाया है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूं। परहैप्स यू हैव, शेरनी अपनी आशंका जताते हुए बोल रही है, परहैप्स यू हैव स्टेड अवे फ्रॉम योर हर्ड। मुझे लगता है कि शायद तुम अपने झुंड से भटक गई हो। यस आई वॉज बिजी इन ग्रेजिंग ग्रास, कि हाँ मैं घास चरने में व्यस्त थी। एनी डेंजरस एनिमल कैन किल यू, कोई भी खतरनाक जानवर तुम्हें मार सकता है। बट वॉट कैन आई डू नाउ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। यू शुड लिव विथ मी, आई हैव नो फ्रेंड, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। द काउ बिकेम वेरी हैप्पी टू नो इट, गाय यह जानकर बहुत खुश हो जाती है। सून द काउ एंड द लाइनेस बिकेम गुड फ्रेंड्स, जल्द ही गाय और शेरनी एक अच्छे दोस्त बन गए। दे स्टार्टेड लिविंग टूगेदर, वे एक साथ रहना शुरू कर दिए। द काउ वॉज सेफ इन द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइनेस, गाय शेरनी के साथ सुरक्षित थी। आफ्टर सम मंथ्स द लाइनेस गेव बर्थ टू ए कब, कुछ महीने बाद शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया। द काउ गेव बर्थ टू ए कफ, गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया। दे ऑल्सो बिकेम गुड फ्रेंड्स लाइक देयर मदर्स, वे भी अपनी माँ की तरह अच्छे दोस्त बन गए। वो जो बच्चे हुए थे गाय और शेरनी का, तो उन लोग भी अपनी माँ की तरह एक दूसरे का दोस्त बन गए। द कब ग्रेव अप एज ए लायन, सावक एक शेर के रूप में बड़ा हुआ। सावक जो है शेरनी का बच्चा शेर बन गया। द काफ ग्रेव अप एज ए बुल, और जो गाय का बच्चा था वो बड़ा होकर एक बैल बन गया। बोथ फ्रेंड्स प्लेड टूगेदर, दोनों दोस्त एक साथ खेलते थे। दे वंडर्ड इन द फॉरेस्ट विथ इच अदर, वे जंगल में एक दूसरे के साथ घूमते थे। दे स्लेप्ट टूगेदर, और वे एक साथ सोते थे। दे वर स्पेंडिंग देयर लाइफ हैप्पीली, वे अपने जीवन को खुशी खुशी बिता रहे थे। अदर एनिमल्स
वंडर टू सी द फ्रेंडशिप ऑफ द लायन एंड द बुल। दूसरे जानवर शेर और बैल की दोस्ती को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। एनिमल्स ऑफन टॉक्ड अबाउट देयर फ्रेंडशिप। जानवर प्रायः उनकी दोस्ती के बारे में बातें करते थे। देयर वॉज ए कनिंग जकाल इन दैट फॉरेस्ट। उस जंगल में एक धूर्त सियार रहता था। ही ऑल्सो हियर्ड अबाउट द लायन एंड द बुल। उसने भी शेर और बैल के बारे में सुना। ही वेंट टू सी बोथ ऑफ देम। द जकाल सो देम दे वेर वेरी हेल्दी। सियार ने भी उन्हें देखा, वे बहुत स्वस्थ थे। ही वॉन्टेड टू ईट देयर फ्लेश बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। वह उसके मांस को खाना चाहता था, लेकिन यह एक आसान काम नहीं था। ही थॉट टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप। उसने सोचा कि इनकी दोस्ती को तोड़ दी जाए। ही वेंट नियर देम एंड स्पॉक। वह उनके पास गया और बोला, आई एम वेरी ग्लेड टू सी योर फ्रेंडशिप। मैं तुम्हारी दोस्ती को देखकर बहुत खुश हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव इन योर कंपनी। तुम लोगों के साथ मैं भी रहना चाहता हूँ। इफ़ यू अलाउ मी आई सेल्फ फील माई सेल्फ वेरी लकी। अभी तुम लोग मुझे अनुमति दो तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। द लायन एंड द बुल एग्रीड टू हिज प्रपोजल। शेर और बैल उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। दे परमिटेड द जैकाल टू लिव विद देम। उन्होंने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। द जैकाल बिकेम वेरी हैप्पी। सियार बहुत खुश हो गया। ही वॉज सक्सेसफुल एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज प्लान। वह अपनी योजना के पहले चरण में सफल हो गया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद देम। उसने अपना अधिकांश समय उन लोगों के साथ बिताया। वन डे द जैकाल फाउंड द लायन अलोन। एक दिन सियार ने शेर को अकेला पाया। द बुल हैड गॉन टू ग्रेज ग्रास। बैल घास चरने के लिए गया हुआ था। इट वॉज ए गोल्डन चांस फॉर द जैकाल। यह सियार के लिए एक सुनहरा मौका था। ही सेड टू द लायन। उसने शेर से कहा, माई फ्रेंड यू थिंक द बुल इज योर बेस्ट फ्रेंड। कि मेरे मित्र, आपको लगता है कि बैल आपका सबसे अच्छा मित्र है। बट इट इज नॉट द फैक्ट। लेकिन यह तथ्य सही नहीं है। द बुल इज मेकिंग यू फूल। बैल आपको मूर्ख बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। वह इस जंगल का राजा बनना चाहता है। ही इज प्लानिंग टू अटैक एंड किल यू। वह आप पर हमला करने और मारने की योजना बना रहा है। बींग ए फ्रेंड इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू अलर्ट। एक दोस्त होने के नाते आपको सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। द लायन डिड नॉट से एनीथिंग। शेर ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नेवर थॉट सो। उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। द बुल वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। बैल उसका सबसे अच्छा मित्र था। बट द वर्ड्स ऑफ द जैकाल मेड हिम सस्पिशियस। लेकिन सियार के बातों ने उसे संदिग्ध कर दिया। इन द इवनिंग द बुल रिटर्न। शाम को बैल वापस लौट आया। द लायन हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड। शेर भोजन की तलाश में चला गया। द जैकाल सेड टू द बुल। सियार ने बैल से कहा, डू यू नो व्हाट द लायन वॉज सेइंग अबाउट यू। क्या आप जानते हैं कि शेर आपके बारे में क्या कह रहा था। आई डू नॉट नो आई हैड गॉन टू ग्रेज ग्रास। मुझे नहीं पता, मैं तो घास चरने के लिए गया था। इफ यू डोंट टेक इट अदरवाइज आई शैल टेल यू द मैटर। यदि आप इसे हल्के में नहीं लेते हैं तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। यू आर माई फ्रेंड यू शुड से एवरीथिंग क्लियरली। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। यू शुड नॉट ट्रस्ट द लायन। आपको शेर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बट वाई ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। लेकिन क्यों, वह बचपन से मेरा दोस्त रहा है। द लायन थिंक्स ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। शेर सोचता है कि वह बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। यस इट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इन इट। हाँ यह सही है, इसमें गलत क्या है। ही सेज दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यू लिव विथ हिम फॉर प्रोटेक्शन। यू आर कोवार्ड। वह कहता है कि आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आप सुरक्षा के लिए उसके साथ रहते हैं, आप कायर हैं। हाउ डेयर द लायन से सो। शेर ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद को बचाने के लिए काफी मजबूत हूं। ही इज ए ब्लैक स्पॉट।
ऑन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, वह दोस्ती के नाम पर एक काला धब्बा है। टुडे आई शैल शो हिम माई स्ट्रेंथ, आज मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। इन द मीन टाइम द लायन रिटर्न, इसी बीच शेर लौट आता है। द बुल कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, बैल अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। ही रश्ड एट द लायन, उसने शेर पर वार कर दिया। द लायन वॉज अलर्ट, शेर सतर्क था। ही ऑल्सो अटैक्ड द बुल, उसने भी बैल पर हमला कर दिया। बोथ ऑफ देम कोलाइडेड फोर्सफुली, दोनों में जबरदस्त टक्कर हो गया। देयर वॉज ए फ्यूरियस फाइटिंग, भयंकर युद्ध हुआ। आफ्टर ए ब्लडी फाइट बोथ डेड, खूनी लड़ाई के बाद दोनों की मौत हो गई। द जकाल वॉज वेरी हैप्पी, सियार बहुत खुश हुआ। ही सेड, उसने कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग बट फुलिश, तुम मजबूत तो थे परंतु मूर्ख थे। यू हैड नो फेथ इन योर फ्रेंडशिप, तुम्हें अपनी दोस्ती पे भरोसा नहीं था। दिस इज द काज ऑफ माई सक्सेस इन माई प्लान, यही कारण है कि मुझे मेरी योजना में सफलता मिली। आई शैल एंजॉय योर फ्लैश फॉर मेनी डेज, मैं कई दिनों तक तुम्हारे मांस का आनंद लूंगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर की कहानी समाप्त हो जाता है और यह काफी अच्छी कहानी है। इस चैप्टर से हम लोगों को यह शिक्षा मिलता है कि किसी तीसरे व्यक्ति पर विश्वास करके अपने मित्र को, अपने अच्छे मित्र को धोखेबाज नहीं समझना चाहिए। कोई भी हमें तीसरा व्यक्ति इस चीज के लिए फायदा उठा सकता है। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इस चैप्टर में आने वाले वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, आप इसे याद कर, इसे पढ़कर याद कर लेंगे। और इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यह है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन में इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू में करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, इसमें दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर थ्री का हाफ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस दिया हुआ है स्टोरी का, जो कि एक ऑर्डर में सजाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है 3527 इस तरह से, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आगे इसका आंसर नहीं दूंगा। यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव में फिल इन द ब्लैंक्स विद WH वर्ड्स, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है, तो फिर भी मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है, तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल चूज करना है। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ब वन का है और इसमें हमको वर्ब थ्री का वर्ड चुनना है, तो यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वही सब आंसर है। इसके अलावा अगर यहाँ कुछ गलत है तो आप उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको अलग से आंसर बना के दूंगा। और क्वेश्चन नंबर सेवन में फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ जैसे लिक्विड हो गया, तो यहाँ पे काओ द मिल्क ऑफ द काओ, यहाँ पे मिल्क जो है वो लिक्विड होगा, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं इसका आंसर आपको बना के दे रहा हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है मैं उन सबका क्वेश्चन का आंसर बना के देता हूँ। ये है चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हाट डिड द काओ थिंक टू सी द लायनेस। द काओ थॉट दैट द लायनेस हैड सीन हर, नो वन कुड सेव हर फ्रॉम दैट लायनेस। व्हाई डिड द लायनेस नॉट किल द काओ। शी हैड जस्ट टेकन हर लंच, देयरफॉर शी डिड नॉट किल द काओ। हु वांटेड टू ईट द फ्लेश ऑफ द लायन एंड द बुल। द जेकाल वांटेड टू ईट देयर फ्लेश। What was the effect of Jackal's words on the lion? The words of the Jackal make him suspicious. Why did the bull become angry? Listening the Jackal's words, the bull became angry. Who had no faith in their friendship? The bull and the lion had no faith in their friendship. Question number 2 में choose the correct option. इसका यहाँ पे direct answer दिया गया है। और question number 3 में Who said to whom? किसने किससे कहा, तो इसका भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इससे अपने बुक में भर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पहले ही वीडियो में बतला दिया गया है और वह आंसर जो वहाँ पे है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद WH वर्ड्स, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, तो यहाँ पे V3 को चुनना है, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द क्लूज गिवन इन ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर उसमें भर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही यह बुक भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग किसी और बुक की तरफ रुख करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले बुक को हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।